तो इस वक्त मैं हूँ लाइव, मेरे साथ एक बड़ा अहम फैसला लिया जाया है क्योंकि यहाँ पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री की चारों बॉडीज ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। वो ये है कि इस गुरुवार से फिल्म सीरियल्स, फिल्में और वेब सीरीज की शूटिंग नहीं होगी। तो मेरे साथ बात करने के लिए इस साथ इंडस्ट्री के वो दिग्गज हैं जो ये फैसला लेते हैं। सबसे पहले मैं जेडी मजीठिया से बात करूंगा, जाने पहचाने प्रोड्यूसर और ये सारे प्रोड्यूसर्स के हेड के एसोसिएशन के हेड भी हैं। तो जेडी खुद सीरियल्स बनाते हैं, सारे ब्रॉडकास्टर्स इन टच में हैं। तो ये क्या फैसला आपने लिया है? तो क्या थर्सडे से शूटिंग्स नहीं होंगी फिल्मों, टीवी सीरियल और वेब सीरीज की? देखिए, फैसला इतना आसान नहीं था और तुरंत नहीं आया है। हमने बहुत सारा डिस्कशन किया, बहुत सारे लोग थे, कम से कम 40 लोग थे, हर क्राफ्ट के लोग थे, चार पांच प्रोड्यूसर एसोसिएशन के लोग थे, और सबके मन में बात जब आई, हमने कोशिश भी करी सबको वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की, निर्माता के प्रोड्यूसर इंटर व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की भी कोशिश करी कि वो व्यूअर भी घर पे बैठा हुआ एक मेंटल प्रेशर में होगा तो एकदम ब्लैकआउट जैसा हो जाएगा, उनको कंटेंट देखने नहीं मिलेगी। पर सब में जब एक प्रश्न उठा, जब एक प्रश्न पूछा गया कि कल को उठ के फिल्म सिटी में किसी एक वर्कर को ये होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उस टेबल में बहुत जो लोग बैठे थे वो सारे सेंसिटिव लोग थे और सबके मन में बात यही चल रही थी कि यार वर्कर के पास चल ना 15 दिन काम नहीं है, निर्माता को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, एक क्राफ्ट को ये हो जाएगा, दूसरे को ये हो जाएगा। पर किसी की एक बंदी की जान गई या किसी को एक को वायरस डिटेक्ट हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये बात पूरी इंडस्ट्री की आ गई और तब किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि इस माहौल में ऐसा कोई भी निर्णय लेना चाहिए जिससे एक भी बंदे की जान को खतरा हो, क्योंकि जान है तो जहान जैसी बात हुई। शो मस्ट गो ऑन, तो हमारे इंडस्ट्री का एक बड़ा सदियों से चलता हुआ एक ऐसा स्टेटमेंट है कि हम किसी भी जब बीमार भी होते हैं या किसी भी परिस्थिति में हमने कभी काम बंद किया ही नहीं है, पर ये आज की परिस्थिति ऐसी है कि क्या वो शो मस्ट गो ऑन क्या हम कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? और जब मेजोरिटी मेजोरिटी क्या सबको ऐसा लगा कि यार किसी एक बंदे की जान की कोई जिम्मेदारी ले, तो उस बात पे जब बात अटक गई तो दूसरा कोई निर्णय आ नहीं सकता। अशोक जी बताएं, कोरोना से पूरा विश्व चपेट में आ चुका है, जो इसको पेंडेमोनिक या विश्व महामारी का नाम दिया गया है। फिल्म इंडस्ट्री की शूटिंग्स और वेब सीरीज जो आजकल बहुत ज्यादा होती है, जेडी तो खुद प्रोड्यूसर है, उन्होंने बताया कितना नुकसान सबको होने वाला है। फिल्मों पर और वेब सीरीज के शूट पर क्या असर पड़ेगा? देखो अमित, क्या है कि हमारी चार पांच इंपॉर्टेंट बॉडीज जो है, फिल्म बॉडीज, वो आज बैठी, उन्होंने काफी आपस में बातें की। FWICE के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने रिप्रेजेंट किया, जिनके अंडर कम से कम 25 लाख वर्कर्स हैं। मैंने इफ्टडा को रिप्रेजेंट किया, जेडी ने IFPTC को रिप्रेजेंट किया। तो सारी जो बॉडीज हैं, विफपा थी, इम्पा थी, ASAP थी, एड्स के प्रोड्यूसर्स थे, बात उधर ही आके अटकी कि क्या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं किसी की अगर कल को सेट पे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है। और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री कोई अलग नहीं है, इंडस्ट्री हर वक्त देश के साथ ही खड़ी हुई है, इंडस्ट्री हर वक्त जो है एक एक इंडस्ट्री लोगों के साथ ही खड़ी हुई है। वो ऐसे कॉजेस के टाइम पे, ऐसे वक्त में इंडस्ट्री खड़ी हुई है। सो ऑर्गेनाइजेशन लाइक इम्पा, IFPTC, फेडरेशन, ये सब लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया ज्वाइंट कि थर्सडे से शूटिंग है बंद और 31 मार्च तक शूटिंग नहीं होंगी और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे हालातों के हिसाब से चीजें किस तरह से हम लोग वर्कआउट करेंगे। इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा अशोक जी ने जो कहा कि देखो लोग हमको पूछ रहे हैं अरे वैसे बंद कर दोगे, अभी तो बाहर किसी दो लोगों ने पूछा तो हमने सिंपल सी बात की, देखो आज किसी को मालूम नहीं कि महामारी का क्या होगा, ये 2 दिन में 3 दिन में हमको ऐसे परिणाम दिखने लगे कि इंडिया में तो यार मुंबई में बहुत कंट्रोल में आ गया, तो हम तो सब एक फोन कॉल आ गए, हम तुरंत कर लेंगे, हमको किसी का नुकसान नहीं करना है, व्यूअर तक हम पहुंचना चाहते हैं, किसी का नुकसान नहीं कर। पर ये 3 दिन में हमको 4 दिन में ऐसे लगेगा कि हमने जो निर्णय लिया अच्छा था, जल्दी बंद कर देना चाहिए था क्योंकि और फैल रहा है। तो ये निर्णय कहां जाएगा? हमने ऐसे अशोक जी ने कहा कि 30 तारीख का निर्णय लिया है मिलने का, सब अच्छा होगा तो 2 दिन में 3 दिन में फिर मिलकर फिर कर लेंगे, आगे तो बंद भी नहीं करेंगे। पर आज के दिन में जब सबके मन में यह प्रश्न था कि किसी की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कोई लेने को तैयार है, तो वहां कोई लेने को तैयार नहीं था क्योंकि किसी को लेने की कोई ले ही नहीं सकता आज के दिन में, तो इसलिए निर्णय आया है। एंड देन अमित, देयर आर इंपॉर्टेंट पीपल हु हैव टेकन दिस कॉल, वी हैव द प्रेसिडेंट ऑफ इम्पा टीपी अग्रवाल, देन वी हैव अशोक दुबे, जेडी, इंडस्ट्री को जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं उन्होंने संग्राम शिर्के फ्रॉम विप्पा, कंसर्न जो है वो इंडस्ट्री का कंसर्न नहीं है, ये देश का कंसर्न है। और फिल्म इंडस्ट्री हर वक्त, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो हर वक्त
खड़ी हुई है देश के समस्याओं के साथ. इनफैक्ट आप देखिए बच्चन साहब ने किस तरह से अपने वीडियोस बनाए हैं, किस तरह से हमारे बाकी एक्टर्स, बाकी डायरेक्टर्स, बाकी प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं इस चीज को लेकर. तो जो इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री का पड़ता है इट्स क्वाइट ऑब्वियस. और कोई हम बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, हम तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर रहे हैं. सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, सारी हाईकोर्ट जब तक जो है उन्होंने कॉल लिया हुआ है, 144 लग रहा है सब जगह. तो बहुत जरूरी था इंडस्ट्री के लिए. सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इम्पास प्रेसिडेंट दीपक अग्रवाल वी ऑल गॉट टूगेदर टूडे एंड वी सॉ टू इट दैट दिस डिसीजन इज टेकन. और इस मुद्दे पर हम जल्दी से जल्दी आए. 3 दिन का टाइम हमने इसलिए दिया हुआ है कि पैक करना चीजों को, लोगों को समझना संभालने में टाइम लगता है कि यूनिट्स बाहर जा रही हैं, बाहर वापस आ रही हैं. तो एक ब्रीदिंग स्पेस बहुत जरूरी था देना पूरी इंडस्ट्री को. एट अ शॉक 24 घंटे के अंदर हम नहीं बंद कर सकते हैं एज फार एज दिस इंडस्ट्री इज कंसर्न. लेकिन आपसे जानना चाहूंगा क्या इसमें साउथ की इंडस्ट्री जो एक बहुत बड़ा क्वांटम है वो भी शामिल है, कि मुंबई वालों ने तो डिसीजन ले लिया लेकिन साउथ का क्या वहां पे भी ये लागू होगा? मैं 25 लाख वर्कर को रिप्रेजेंट करता हूं, टेक्नीशियंस को, जिसमें पूरी साउथ इंडस्ट्री भी साथ में है. ये अब डिसीजन हुआ है, मैं उनको भी कन्वे करूंगा और वो हमारे साथ हैं. तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि जान से बढ़कर कोई चीज नहीं है. वर्कर हमारा डेली वेजेस है, रोज कमाता रोज खाता है. लेकिन अगर किसी की जान चली गई, कुछ उनकी दिक्कत आ गई, उसकी फैमिली कैसे सफर कर पाएगी, इसके लिए हमने ये डिसीजन लिया है जी. तो यानी अब इस गुरुवार से आपको आपके फेवरेट सीरियल की शूटिंग नहीं होगी. देखना होगा सभी ये लोग मिलकर ब्रॉडकास्टर्स के साथ क्या फाइनल फैसला होगा. ये देखना होगा कि सीरियल्स में क्या दिखलाया जाएगा, कैसे कहानियां बदलेंगी, वो अभी देखना. लेकिन फिलहाल थर्सडे से टीवी सीरियल्स, फिल्में और वेब सीरीज की शूटिंग रहेंगी बंद. कोरोना वायरस का कहर अब हर तरफ से हर इंडस्ट्री को प्रभावित कर रहा है और इस बार हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी ये बहुत भारी रूप से प्रभाव डाल रहा है.